think. परम संत सतगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। दिस इज द वाणी ऑफ परम संत सतगुरु स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं कि मैंने बहुत कुछ साधन करके देखा, तीर्थ व्रत, उपवास, प्राणायाम, अष्टांग योग, जप तप सब साधन करके देखा, लेकिन मन जो है वो बस में नहीं आया। सो स्वामी जी महाराज सेज दैट आई ट्राइड वेरियस मेथड्स और वेरियस प्रैक्टिसेस ऑफ जपस, तपस, प्राणायाम्स एंड अदर प्रैक्टिसेस, बट विथ ऑल ऑफ दीज द माइंड कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। क्योंकि बंध और मोक्ष का कारण मन है, आत्मा नहीं है और ये शरीर नहीं है। मन है, मन ही कर्म करवाता है, कर्मों के मैल मन पे ही चढ़ती है और मन के मलिन होने के कारण से हम 84 के जेल खाने में भटक रहे हैं और मन आत्मा के गांठ बदी होने से आत्मा अपने आप मन के साथ 84 का चक्कर लगा रही। द रीजन ऑफ आवर बॉन्डेज इन दिस ocean of life and death is because of the mind. It is not because of the soul. It is the mind which makes us do various deeds, and the filth of those deeds accumulates and soils the mind. And there is a knot tied between the mind and the soul by Kal, and it is because of that that the soul has to go everywhere where the mind has to go, and again it has to come back in this ocean of life and death. पहले आत्मा निर्मल थी, जब ये आत्मा सतलोक सचखंड छोड़ के मंडल बाय मंडल नीचे आ रही थी, तो जब पार ब्रह्म छोड़ के ब्रह्म में पहुंची जहाँ से काल का देश है, वहाँ काल ने अपने अंश मन को मन के साथ गांठ मार दिया और साथ में मन को भेजा। When the soul descended from Sachkhand and came down plane by plane, it reached Par Brahm, and after that, when it entered Brahm, it entered the realm of Kal. There, Kal took out a essence of it himself, of Kal, which is the mind. It is an essence of Kal, and he tied a knot between the soul and the Kal and the mind. इसीलिए मन है, काल का एजेंट है, कर्म मन ही करवाता है, कर्मों के मैल मन पे ही चढ़ती है, आत्मा की गांठ बदी होने के कारण से मन के साथ में आत्मा 84 का चक्कर लगा रहे। सो देयरफॉर द रीजन ऑफ द बॉन्डेज इज द माइंड। इट इज द माइंड विच डज ऑल द डीड्स, एंड बिकॉज द नॉट इज टाइड बिटवीन द माइंड एंड द सोल, इट हैज टू स्टे bonded with the mind. कहते हैं कि शरीर तो पांच तत्व मट्टी का पुतला है, इसको तो यही रह जाना है, ये तो बंध मोक्ष का कारण नहीं, लेकिन आत्मा मुक्ति रूप है और वो सतलोक सचखंड की रहने वाली है, पहले भी निर्मल थी, आज भी निर्मल है, कर्म मन ही करवाता है और मन ही मलिन होता है। This physical body is also not the reason of the bondage, because this is an earthen vessel which has to be left behind. Then the soul is very pure, it was always pure and it will always continue to be pure. It is an essence of God Almighty and has descended from Sachkhand into this world.
So it is the mind which is bringing about that impurity and that bondage. क्या होना था आत्मा के अंडर में मन होना था और मन के अंडर में ये इंद्रियां होनी थी लेकिन उल्टा हो गया. कहते हैं कि मन के अंडर में आत्मा हो गया और इंद्रियों के बस में मन हो गया और इस तरह से कर्म करके जो इंद्रियां जहाँ चाहती हैं मन को खींच के ले जाती हैं कर्म करवा लेती हैं ये उल्टा हो गया. So what was supposed to happen was that the mind was to be controlled by the soul and all the indriyas, all the senses and sense organs, they were to be controlled by the mind. But what has happened is the reverse. The soul is under the control of the mind and the mind is under the control of the sense organs. लेकिन उल्टा होने से ये जीव हम आत्मा लाचार है और मन कर्मानुसार जिस भी शरीर में मन जाता है आत्मा को जाना पड़ता है और दोनों एक ही साथ जाते हैं. 84 में कोई भी शरीर हो यही मन और यही आत्मा होता है. सो द सोल इज नाउ हेल्पलेस एंड इट हैज टू गो अलोंग विद द माइंड वेयर एवर द माइंड हैज टू गो एंड द माइंड इज गोज इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बीइंग इनटू डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स. And whichever life form the mind goes, the soul has to necessarily go along with it. So in all the life forms, it is the same mind and the soul which are attached together, which go in different life forms. So महात्माओं को आत्मा को आजाद करने के लिए पहले मन को आजाद करना पड़ रहा है. मन को सत्संग सुना के भजन सुमरण करा के और जो है कि भक्ति करा के सेवा करा के साफ करके और बाद में जब मन मुक्त होता है तो आत्मा अपने आप मुक्त होती है. देयरफॉर फॉर द महात्मास टू लिबरेट द सोल दे हैव टू फर्स्ट लिबरेट द माइंड एंड देयरफॉर विद द सत्संग्स एंड विद द टीचिंग्स दे फर्स्ट ट्राई टू क्लेंस द माइंड एंड वर्क टूवर्ड्स लिबरेटिंग द माइंड. वंस द माइंड इज लिबरेटेड द सोल इज ऑटोमेटिकली लिबरेटेड. हाँ तो कहते हैं कि लेकिन ये मन सुनता नहीं. महात्मा तरह तरह से समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये अपना ही काम आत्मा माने इंद्रियों से करवाता है मन से करवाता है आत्मा से जो है कि उसी तरह का कर्म करवा के 84 के जेल खाने में भटकता है. बट द माइंड डजंट लिसन टू द मास्टर्स. When they try to explain, it doesn't listen to the masters. Instead, it is under the influence of the sense organs, and it continues to do all the deeds under the sense organs, and it pulls the soul down into the lower life forms as a result of the karmas that it does yet. इसीलिए संत नाम देके सुमरण कराके सेवा कराके सत्संग सुना के मन को निर्मल करते हैं और मन निर्मल हो गया तो वो आत्मा को मदद करता है ऊपर जाने के लिए. Therefore the masters come here and they initiate and with the naam and the satsangs and seva and devote meditation they help the soul, help the mind to become pure and once the mind becomes pure then it helps the soul to get liberated from this realm of kal. तो मन को बस में करने का सबसे अच्छा तरीका आसान तरीका अंदर जो शब्द हो रहा है ऊपर 10वें दरवाजे में वो शब्द अगर गुरु के कृपा से प्रकट हो जाए तो मन अपने आप मान जाता है. सो द मोस्ट द बेस्ट मेथड एंड द मोस्ट सिंपल मेथड फॉर लिबरेटिंग द माइंड फॉर क्लेंजिंग द माइंड इज टू गेट इट कनेक्टेड विद अ होली साउंड करंट. That holy sound current is resonating at the eye center and it is coming down from God Almighty. कहते हैं कि वो शब्द में क्योंकि मन जो है लज्जत का आशिक है इसको जहाँ लज्जत मिले वहाँ भाग जाता है एक जगह स्थिर नहीं होता है लेकिन जब सबसे ऊंची अच्छी से अच्छी लज्जत मिल जाए आनंद मिले मन को तो मन जाके उसमें समा जाता है. वो क्या चीज है उस शब्द है.
the mind is a follower of anything interesting or anything exciting, and whatever interests it or excites it, it follows that. And the most interesting or the most exciting thing is the holy sound current. तो कहते हैं वो शब्द अंदर में प्रकट होते हैं, उसकी आनंद मिलते ही ये दुनिया को लात मार देता है और जाके शब्द से जुड़ जाता है, शब्द को छोड़ के फिर मन दुनिया में नहीं आता. So as soon as it gets connected with the holy sound current, it immediately takes to that interest or that excitement, and then after that it kicks away all the other pulls of this world and again doesn't come back into this world. तो कहते इस तरह से मन जब दुनिया को छोड़ देता है तो जहाँ मन में आशा नहीं वहाँ कोई कहते वहाँ कोई आने जाने का सवाल नहीं, और आत्मा तो मुक्त रूप है, वो अपने आप ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाते. And when the mind leaves away all its desires and wishes for this world because it is so intoxicated with the holy sound current, it doesn't have to come back, because if there is no desire in this world left, then there is no reason for the mind to come into this world again, and so therefore it gets out of this ocean of life and death and then goes upwards on that sound current. इसीलिए स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, कोट जतन से यह मन नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए. Therefore, Swamiji Maharaj says that with tens of millions of methods or practices, we will not be able to control the mind. It will only get controlled when we connect it with the holy sound current. Koti jatan se कर मन समझाई, जोगी जूति कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई. तो वही कहते हैं योगी लोग, उन्होंने सोचा हम बाल बच्चे में रह के दुनिया में रह के मुक्त नहीं हो सकते, संन्यास लिया, सब त्याग किया, जंगलों पहाड़ों में जाके उपवास रह के, पत्ती का रस पी के उपवास रह के प्राणायाम साधन किया. सो ही सेज दैट इफ यू लुक एट द योगीज, दे बिलीव दैट दे कैनॉट डू देयर प्रैक्टिसेस, दे कैनॉट अचीव गॉड ऑलमाइटी और रियलाइज गॉड ऑलमाइटी इन द luxury of their homes, so they decide to go in the forests or the hills or mountains, and there they survive on the by eating leaves of trees and taking the juice of those leaves of trees and doing all kinds of different practices. Kate itna katin sadhan karke bhi man bas mein nahi aaya, aur gyani gyan karai, aur kuch pandit log padhe likhe log चार वेद छः शास्त्र 18 पुराण पढ़ने को मुक्ति का साधन समझा कि मन बस में आ जाए, लेकिन ये मन में और अहंकार आ गया, बस में आने के बजाय मन और फैल गया. Likewise, if you look at the pandits or the very learned intellectuals, they do so much reading of the 18 Puranas, 4 Vedas and so many other scriptures, and they feel that is the method of emancipation by intellectualizing on all of those scriptures and holy books, but that only adds to their ego and they are not able to control the mind with that. Yogi juti kamare apni jani jan karai tapasi तो वही कहते हैं. और तीसरा, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि
जति तपी, लोग जंगलों में जाके कंदमूल फल खा के उन्होंने तपस्या किया, वो भी प्राणायाम किए, लेकिन वो भी मन को बस में नहीं कर सके। Then he says that all those ascetics, they have also gone and done all kinds of austerities and japas, tapas or different practices. But with all of those austerities also, they have not been able to control the mind. उनके अंदर तपस्या, कठिन योगा करने से रिद्धियां सिद्धियां तो जरूर मिल गई, लेकिन मन बस में नहीं आता। So with those practices, they may have got mystical powers, but they have not been able to control their mind. तो वही कहते हैं कि तीसरा, यति जपी तपी, तपस्या करने वाले लोग भी, विश्वामित्र, बड़े बड़े दुर्वासा, अष्टा मानिक, ये श्रृंगी ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी हो गए जिन्होंने 60,000 बरस तपस्या किया, सतयुग में 80,000 बरस तपस्या किया, लेकिन वो भी हार गए। So he says that all those ascetics like Vishwamitra or Sringi Rishi, all of them spent years together, spent more than 60,000 years in their practices, in their austerities and practices, but they also were not able to control the mind. Dusre log ghar makan chhod ke sanyasi ban ke bhiksha mang ke yapan kiya और मन को बस में करने के लिए तरह तरह के साधन किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। सो मैनी लेफ्ट देयर होम्स एंड दे अडॉर्न्ड सैफ्रन क्लोथ्स एंड वेंट आउटसाइड एंड डिड ऑल काइंड्स ऑफ पेनेंसेस और ऑस्टेरिटीज, बट दे वर आल्सो नॉट एबल टू कंट्रोल द माइंड। तो कहते हैं कि मानसी ध्यान, मानसी ध्यान क्या है, मन के अंदर में स्नान करके आके बैठना, फोटो नहीं, कुछ नहीं, अंदर ही, मन के अंदर ही राम लक्ष्मण सीता को खड़ा करना, उनकी आरती निकालना, पूजा करना, उनको गंध तिलक लगाना, ये मानसिक ध्यान माने कल्पना से, यही रामानंद जी का मार्ग मानसिक ध्यान का ही था। कबीर साहब ने तो उनको दिखाने के लिए गुरु किया था, जबकि कबीर साहब का सुर शब्द का अभ्यास, लेकिन जब ये छोटे छोटे उम्र से सत्संग करने लगे तो इनके वाक कितना अंदरूनी रूहानियत से भरा हुआ सुन के महात्माओं के अंदर, विद्वान के अंदर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 6 साल का बच्चा इतना अच्छा सत्संग करता है। तो लोग पूछते थे कि तुम्हारा गुरु कौन है, अब गुरु नहीं रहे तो किसको बतावें, तो गुरु के बगैर ज्ञान होता ही नहीं, सबका यही सिद्धांत है कि इतना ज्ञान आया तो कहाँ से। तो इसीलिए उनको दुनिया को दिखाने के लिए रामानंद को गुरु बनाना पड़ा, लेकिन कबीर साहब का स्टेज रामानंद से कई गुना ज्यादा था। The other practice is what we do is the practice of doing worship by mind. So when so Ramanand ji used to do this, in this worship by the mind, one does a deity worship by placing the deities in their imagination, and in their imagination, then they wash the deities with milk, or they offer incense, or they put tilak on the deities, and they put garland on the deities. All of this is done by just visualization or imagination, and that way they do the worship of these deities. So Ramanand ji, who was also
he was also a person who used to do this kind of devotion by the mind, by this mental imagination. He was made the master of Kabir Sahib, because Kabir Sahib needed to show a living master. When Kabir Sahib was around 6 years old, he had so much knowledge, and when he used to give that knowledge and speak about things which people would all get very surprised to listen, they would all ask him as to where he gained all that knowledge. So in order to show the world, he made Ramananji his master, though he was his understanding and his progress in spirituality was much, much higher than what Ramananji had achieved. But just to show the world that he had a master, he made Ramananji his master. तो कहते एक बार गोरखनाथ परिपूर्ण योगी हिमालय में तपस्या करके परिपूर्ण योगी तपा तपाया योगी होके हमारे देशाटन को निकला और घूमते 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 बनारस में आया. तो उस समय रामानंद का अच्छा प्रचार था बनारस में और कबीर साहब की उम्र 14 साल की थी. इनका उतना प्रचार नहीं था जितना रामानंद का था. सो वंस गोरखनाथ ही वॉज एन अटेंड योगी एंड ही यूज टू डिबेट विद अदर्स एंड बिन ओवर द डिबेट्स एंड टॉक अबाउट ऑल द इंटरनल प्लेन्स एक्सेट्रा. सो दैट वे in those days Ramananji was also very well known in Varanasi, and Gorakhnath came to challenge him. Aur Gorakhnath Ramanand ke ashram ke samne trishul gaad ke aur trishul ke nok pe aasan laga ke baith gaye aur Ramanand ko challenge kiya ki aap aao hamare saath, हमारे प्रश्न का जवाब दो, साथ साथ करो, नहीं तो आश्रम छोड़ के चले जाओ. सो व्हेन गोरखनाथ केम टू रामानंद जीज आश्रम, इन फ्रंट ऑफ द आश्रम ही प्लेस्ड हिज ट्राइडेंट एंड ही सैट ऑन द टिप ऑफ द ट्राइडेंट एंड ही कॉल्ड आउट टू रामानंद टू डिबेट विद हिम एंड एक्सचेंज हिज नॉलेज एंड इफ ही वुड लूज इन द डिबेट ही वुड हैव टू लीव द आश्रम. तो रामानंद ब्राह्मण थे और वहाँ पे ज़्यादातर ब्राह्मणों को ही शिक्षा, ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा दूसरे जात वाले को अपने पास नहीं रखते थे. तो इसीलिए अब उनके पास देखा ये तपा तपाया योगी है और उनके पास इतनी ताकत नहीं है, तो उन्होंने अपने सेवादारों से कहा भाई गट्टर बांधो और चलो ये आश्रम छोड़ के दूसरे जगह चले जाएंगे. सो रामानंद जी वॉज अ ब्राह्मण एंड ही यूज्ड टू हैव डिसाइपल्स हु वर ईदर ब्राह्मिन्स और क्षत्रियाज. ही डिड नॉट इम्पार्ट टीचिंग्स टू एनी अदर कास्ट एंड व्हेन ही सॉ दैट गोरखनाथ हु वॉज अ अटेंड योगी एंड ही हैड कम एंड चैलेंज्ड रामानंद. So Ramanand said that I don't have the power to face this challenge. So he started packing his bags and he told all his followers that all of you pack, we will leave and make our ashram somewhere else. तो किसी ने भाग के जाके कबीर साहब को सूचना दिया. कबीर साहब की उम्र 14 साल की थी, वो भी रामानंद के शिष्य थे कि गुरुदेव आश्रम छोड़ के जा रहे हैं. वह क्यों? एक योगी तपा तपाया योगी आया है, त्रिशूल के ऊपर आके बैठा हुआ है और रामानंद को चैलेंज किया कि आश्रम छोड़ के जाओ नहीं तो मेरे साथ वाद विवाद करो. सो वन ऑफ द डिसाइपल्स ही रैन टू कबीर साहब. एट दैट टाइम कबीर साहब्स एज वाज ओनली 14 इयर्स एंड ही वेंट देयर एंड ही टोल्ड हिम दैट such and such yogi has come and he is sitting on his trident and he has challenged our master Ramananji.
that you debate with me or and win win against me in that debate, or you vacate your ashram. So our master is now preparing to vacate the ashram. So Kabir sahab ne sandesh bhijwaya ki jao jao Gurudev ko kaho ki ashram chhod ke jaane ki zarurat nahi hai, main aata hu, main uske prashn ka jawab dunga. So Kabir sahib told that devotee that you go and tell the master not to leave, tell him that I will come and address these questions and debate, face the debate with this yogi. तो कबीर साहब जी रेशमी कपड़ा बुनते थे, तो उन्होंने एक धागे का इतना बड़ा गोला और वो लपेटते लपेटते आए. अब योगी को बहुत टाइम हो गया था, एकदम क्रोध में लाल हो गया था, श्राप देने वाला ही था कि इतने में ये आके खड़े हो गए. कबीर तो देखा, कहता है तू कौन है? तो बोलता है मैं रामानंद का शिष्य हूँ. तो यहाँ क्यों आया? मैं आपके प्रश्न का जवाब देने आया. सो देन कबीर साहब ही यूज्ड टू वीव सिल्क क्लोथ्स, सिल्क साड़ीज. सो ही टुक अ बॉल ऑफ सिल्क एंड रोलिंग दैट बॉल ही केम एंड फेस्ड गोरखनाथ. Now, by then, Gorakhnath was fuming and he was red with anger and he was almost about to curse Ramanand when Kabir Sahib appeared in front of him. Then he asked him why Kabir had come, and then Kabir told him that I am a devotee of Ramanand, so I have come here to address your questions. So, kehte tu kal ka bachcha, tune kab tapasya kiya mere prashn ka jawab dene ko, ja ja nahi to बस मैं कर दूंगा. सो गोरखनाथ गॉट वेरी एंग्री एंड ही सेड यू आर सो यंग, यू व्हेन वुड यू हैव डन एनी पेनेंस और अंडरस्टूड द इनर स्पिरिचुअल, अंडरस्टूड स्पिरिचुअलिटी, सो यू डोंट इरिटेट मी, अदरवाइज आई विल टर्न यू टू एशेज हियर. तो वो हंस के कहते हैं नहीं, आप पूछो, मैं जवाब देता हूँ. तो देखा कबीर साहब की उसको अहंकार बहुत है, तो जो गोला था रेशम का धागे का, तो उसको ऐसा एकदम ऊपर फेंक दिया, इसके त्रिशूल से 10 गुना ऊपर, और ऊपर फेंक के जाके उसके ऊपर बैठ गए. सो देन कबीर साहब सेड नो नेवर माइंड, आई विल बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. देन कबीर साहब सॉ दैट गोरखनाथ हैड अ लॉट ऑफ ईगो and he was sitting on this trident. So he felt that I should address his ego first. So that ball of silk which he was carrying with him, he threw it about 10 times the height of the trident. And he went and sat on top of that ball. So baad mein kehte hai, acha ab to poocho. Tab to wo dekha, usko shock lag gaya ki dekhne mein itna chota hai, isko itna sab kaise prapt ho gaya. तो बाद में प्रश्न चालू किया. सो व्हेन ही सैट ऑन दैट बॉल, गोरखनाथ वाज क्वाइट शॉक्ड एंड ही फेल्ट दैट ही लुक्स वेरी यंग बट ही हैज अ लॉट ऑफ, ही सीम्स टू हैव गॉट अ लॉट ऑफ मिस्टिकल पावर्स. सो देन दे स्टार्टेड ऑन द डिबेट. तो दोनों का वाद विवाद एक हफ्ता 8 दिन चला. एक मोटा ग्रंथ है कबीर गोरख संवाद करके, मोटा ग्रंथ है. 8 दिन तक वो पूछते रहे और जवाब देते रहे, पूछते रहे जवाब देते रहे. सो द डिबेट वेंट ऑन फॉर 8 डेज एंड देर इज अ बिग बुक ऑन द डिबेट बिटवीन गोरखनाथ एंड कबीर दैट इज रिटन. सो वॉट एवर क्वेश्चन गोरखनाथ आस्क्ड, कबीर एड्रेस्ड ऑल दोज क्वेश्चंस एंड ऑल दैट इज written in that book. तो कहते हैं इस तरह से 8 दिन के बाद में जब उसको और प्रश्न खत्म हो गए, तब वो हार मान लिया. तो कहता अच्छा अब तो मैं, आप वाद विवाद में तो आप जीत गए, अब रिद्धि सिद्धि में. तो उसने क्या किया, उसके कमंडल में पानी था, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि वाले
ये पांच तत्व के कोई भी एक तत्व में समा सकते हैं, ये पांच तत्व से अलग नहीं जा सकते, लेकिन संत पांच तत्व से अलग जाते हैं। अब इन्होंने बगैर आधार का जाके ऊपर बैठा था, इनको तो लोहे का आधार था तो क्यों रिद्धि सिद्धि वाला कोई आधार के बगैर नहीं रह सकते। सो दैट वे फाइनली गोरखनाथ लॉस्ट इन द डिबेट एंड देन ही सेड ओके आई हैव लॉस्ट द डिबेट बट लेट अस सी हु हैज मोर मिस्टिकल पावर्स। नाउ those who do these penances or do these practices and get mystical powers, all these are limited within the five elements. So one can play along or around those elements, but one cannot go beyond those elements. Whereas the masters, they can go beyond the five elements. Oh, sabda roop hote hain. And because they are in the form of the sound current. So that is how Kabir Sahib was sitting on that ball of silk without any support below, whereas Gorakhnath had to take the support of that iron trident, and only then he could sit levitating on that trident. So, बाद में गोरखनाथ के कमंडल में पानी था और ये अपने आप को उस पानी में लीन कर दिया और बोलता है कि मैं कहाँ हूँ मुझे पकड़ो। सो गोरखनाथ हैड दिस कमंडलू इज पॉट विद वाटर ही प्लेस्ड सो ही वैनिश्ड एंड ही टोल्ड कबीर साहब टू फाइंड आउट वेयर ही इज बिकॉज ही हैड कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू वाटर। तो और बोलता है कि मैं कहाँ हूँ मुझे पकड़ो। देन ही टोल्ड कबीर साहब दैट यू फाइंड आउट वेयर आई एम यू कैच मी। तो कबीर साहब उन्हें पांच बर्तन मंगवाया कटोरा इतना बड़ा बड़ा और वहाँ पे जो कमंडल में पानी था उसको पांच कटोरे में डाल दिया तो उसके शरीर का पांच भाग हो गया। अब कहते अब ऊपर आओ आएगा कैसे, तो वो कहता है कि है पकड़ लिया इन्होंने, तो बोलते हैं महाराज कमंडल में डालो मैं बाहर आता हूँ। सो व्हेन ही सेड दैट कबीर साहब आस्क्ड फॉर फाइव बोल्स and then he placed the water from the kamandalu in the five bowls and he said okay now you come out. Now Gorakhnath understood that Kabir Sahib has understood that I have converted myself into water. So he said okay you with folded hands, then he said that you please put the water back because then only I can come out. To unhone kamandal mein dala tab wo wahan se bahar aaya aur unko namaskar karke wahan se chala gaya, फिर लौट के बनारस में कभी आया नहीं। सो देयर आफ्टर विद फोल्डेड हैंड्स ही एक्सेप्टेड डिफीट फ्रॉम कबीर साहब एंड ही लेफ्ट एंड ही नेवर विजिटेड बनारस अगेन। तो कहते इस तरह से ये जो स्वामी रामानंद का मानसिक ध्यान था। सो दैट वे रामानंद जी हैड दिस practice of devotion by the mind, by the imagination of the mind. तो वही कभी स्वामी जी महाराज कहते हैं कि लोग मानसिक ध्यान करके भी थक गए, जब वो मानसिक ध्यान मन के अंदर का होएगा तो मन बस में कहाँ से आएगा। So स्वामी जी महाराज says that people have got tired doing the this kind of devotion with the mind because if you cannot do that devotion without or devoid of the mind. It is the mind which is doing the imagination. So there is no question of you controlling the mind. Pandita pad pad ved bhagane vidya bal sab jai buddhi chaturta kamal aave तो वही कहते हैं कि पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, पंडित लोग पढ़ने पढ़ाने का ज़्यादा बखान करते हैं और चार वेद का कंठपाठ करके लोगों को हराना जीताना हराना और जीतना यही करते बैठते हैं। कहते उससे मन में अहंकार आता है, मन बस में नहीं आता। Then he says that pandits they read
all these scriptures and holy books, and they only get busy doing debates on the learnings or what they have memorized from those books. What it only gives is more ego, and they are not able to overcome the mind. तो कहते इस तरह से वो ग्रंथों में बस जाते हैं और उनकी समझ उतनी सीमित होती है. तो कहते बुद्धि चतुरता काम न आवे आलम रहे पछताई. कहते हैं बुद्धि चतुरता और पढ़ाई लिखाई जितना भी विद्वान है वो सब ये शुद्ध शब्द अभ्यास के काम नहीं आ सकते, क्योंकि ये सब छोड़ के एकदम दीनता नम्रता से संतों की शरण में आना पड़ता है. सो देन ही सेज दैट दिस नॉलेज वन एक्वायर्स ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग द स्क्रिप्चर्स और द अदर होली टेक्स्ट दैट डज नॉट गेट अस एनेबल अस टू ओवरकम द माइंड. एंड देन ही सेज दैट इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस एंड नॉलेज these again are of they are not able, one cannot overcome the mind with these. And in the on the path of santmat also, where all these intellect or the intelligence or knowledge, these are not of any help, because on the path we have to become humble, we have to reduce our ego, and only then we can progress on this path. Lugate isme सत्संग सेवा भजन सुमरन, इसमें सब कुछ त्याग के संतों के बताए हुए रास्ते पे कमाई करें, रोज रोज सत्संग सुने, सेवा समय आए सेवा करें या तो भजन सुमरन करें. इससे फायदा होता है और तरक्की होती है और पठन पाठन अंदर में काम नहीं आता. सो बिकॉज ऑन दिस पाथ वी हैव टू listen to the satsangs, we have to do seva, and we have to do our meditation. Where we do these satsangs, we do seva and meditations, there we are able to then progress on that path of devotion with humility. And there all this knowledge and intellect and intelligence, all these don't help. तो कहते हैं बुद्धि चतुरता, क्योंकि जो हमारी रूहानी सफर स्टार्ट होती है तो बुद्धि लय हो जाती है, और बुद्धि लय होने के बाद में ही जब रूह ऊपर चढ़ाई करती है तो अनुभव स्टार्ट होता है. तो वहाँ बुद्धि है ही नहीं है तो आप और उसका वो आपका वो पढ़ा लिखा कहाँ काम आएगा. When we do this practice of Surat Shabd, we focus our attention at the eye center. We are able to rise after we overcome the intellect. Only when the intellect is left behind, then our experiences on this path start. So there is, when the intellect itself is left behind on this path, there is no question of that knowledge or that reading or that intelligence which is going to help you on this path. कहते हैं कि इस तरह से जब पढ़े लिखे यानी पंडित ज्ञानी अब मर के जब इनको अंदर में धर्मराज के पास जाना पड़ता है तो पश्चाताप होता है, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं पूछते तुमने, वो कहते हैं तुमने बुरा और भला क्या किया, वहाँ तो कर्मों का हिसाब होता है. ये नहीं पूछते हैं कि आप ब्राह्मण हैं या शूद्र हैं, और पढ़ाई लिखाई का वहाँ कुछ नहीं चलता. So when these learned people, they are produced before the Lord of Judgment after the death, there they repent for all of these things done, because the Lord of Judgment doesn't ask them how much they have studied or what they know or what is their knowledge. What is to be answered is what are the good deeds you have done and what are the bad deeds you have done. So only these are measured, and whether you are a Brahmin or whether you are of a higher caste or lower caste, all this doesn't matter in front of the Lord of Judgment.
सूरत शब्द की हो एक माई, तब मन कुछ ठहराई। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु मिले जा जो धुर का भेदी, और शिष्य विरह घर आई, और शिष्य के अंदर विरह होना चाहिए, मालिक से मिलने की तड़प होने चाहिए। अगर ऐसा गुरु ऐसा शिष्य मिल जाए तब जो है कुछ कमाई होती है, और इसके अंदर सच्चा अनुभव माने शब्द प्रकट होता है और मन बस में आता है। देन स्वामी जी महाराज सेज दैट टू मूव ऑन दिस पाथ यू नीड अ ट्रू मास्टर हु हैज द नॉलेज ऑफ ऑल द रेल्म्स इनसाइड, ऑल द प्लेन्स इनसाइड, एंड ही हैज कम फ्रॉम देयर। So when you have a real or a true master, and the devotee, he has pangs of separation from that master. He loves the master. He has love and affection for him. Then there is movement on this path of devotion. Then that devotee can move on this path of devotion. और अगर कामिल मुर्शिद पूरा गुरु मिल गए, शब्द मार्ग के गुरु मिले, और शिष्य के अंदर विरह नहीं, मालिक से मिलने की तड़प नहीं, शिष्य के अंदर दुनिया भरी है, तो भी कामयाबी हासिल नहीं होती। सो वेयर द मास्टर इज इज फुल्ली कॉम्पिटेंट एंड ही इज अ ट्रू मास्टर, बट द डिवोटी ही डजंट हैव लव एंड अफेक्शन फॉर द मास्टर, इंस्टेड ही इज फिल्ड विथ ऑल द वर्ल्डली डिजायर्स ऑल्सो, देन ही दैट डिवोशन कैन नॉट प्रोग्रेस। हाँ, तो कहते हैं ऐसे में भी कुछ फायदा नहीं मिल पाता, और हमारा इतना अमूल्य समय दुनिया भी चिंतन में ही चला जाता है, परिणाम होता है अंत समय पश्चाताप। सो वन कैन नॉट प्रोग्रेस ऑन दैट पाथ ऑफ डिवोशन लाइक दिस, एंड द होल प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ दैट हैज बीन गिवन इज वेस्टेड, एंड एट द एंड ऑफ इट वन कैन ओनली हैव रिपेंटेंस। क्योंकि जिस दुनिया को हम अपना बनाए बैठते हैं, वो दुनिया ना किसी की हुई ना किसी की होगी, अंत समय जब वो चीज़ें आपसे दूर होने लगती है तो आपको बड़ा दर्द होता है जिससे आपने प्रेम प्यार किया है, और वो दूर होना ही होना है। वी हैव द लव एंड अफेक्शन फॉर दिस वर्ल्ड, बट नो वन हैज एवर बीन एबल टू टेक दिस वर्ल्ड और इट्स बिलोंगिंग्स विथ हिम, एंड वन हैज टू लीव ऑल दीज बिहाइंड। सो एट द टाइम ऑफ डेथ when all these are left behind, then there is a lot of repentance that is caused at that time. Agar woh duniya aur duniya ke jo vastuon se apne man ko mod ke agar aapne guru ki charno mein naam se jod ke duniyadari ki hoti, to aapko ant samay itna takleef nahi hota, aap haste hue jate. Had you done your devotion towards your master, and you had had love and affection for him, and done or followed what he had explained to you, and gone about your duties in this world also, you would not have that kind of repentance, and you would very happily go with him at the time of death. कहते हैं एक अभ्यास करने वाला गुरु के चरणों से प्रेम प्यार करके अभ्यास करने वाले को मौत के समय मरने के समय कितनी खुशी होती है जितना एक नौजवान लड़कों को अपने शादी के समय होती है। When the kind of happiness that a devotee experiences, a devotee who has love and affection at the feet of the master and who has been devoted and who has been doing the practices as told by the master, the kind of happiness he enjoys at the time of death is more than what a bridegroom enjoys, the happiness that the bridegroom has at the time of his marriage. कहते उतना ही खुशी होती है और हंसते हंसते जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका दुनिया के चीज़ों से उतना प्रेम प्यार नहीं, सदगुरु के चरणों से है, नाम से है। एंड ही वेरी हैप्पीली अग्रीज टू गो विद द मास्टर बिकॉज ही हैज नॉट एंटेंगल्ड हिमसेल्फ इन द pools of this world, and he doesn't have that love and affection attached in this world, so he very happily agrees to go and leave this world with the master. Surat shabd ki ho ek maayi, tab man kuch tehraayi.
कहते हैं अगर संतों की शरण में गए, शुभ शब्द के अभ्यास से प्रेम प्यार कर लिया, तो जरूर एक दिन आपके अंदर वो शब्द और ज्योति प्रकट होगी, गुरु प्रकट होगा और आपका मन आपके बस में आ जाएगा। सो इफ यू डेवलप दैट लव एंड अफेक्शन फॉर योर मास्टर एंड यू प्रैक्टिस योर सूरत शब्द योग, देन इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ यू विल बी एबल टू गो एंड मैनिफेस्ट द मास्टर विद इन एंड गेट कनेक्टेड विद दैट होली साउंड करंट एंड दैट वे यू विल बी एबल टू गेन कंट्रोल ओवर योर माइंड। कहते हैं मन माने तब हरि जाने, जब मन मान गया, मन स्थिर हो गया तो परमात्मा का मिलना कोई मुश्किल नहीं। आराम से आत्मा चढ़ाई करती है और मन उसको मदद देता ऊपर जाने में। सो इट इज सेड दैट व्हेन द माइंड इज अंडर कंट्रोल देन रियलाइजेशन ऑफ गॉड ऑलमाइटी इज नॉट डिफिकल्ट, देन द माइंड इटसेल्फ स्टार्ट्स हेल्पिंग द सोल टू गो विद इन। अभी जो मन उल्टा है, हम भजन सुमरण करना चाहते हैं और मन हमें बार बार दुनिया की तरफ लेके जाता है, भजन सुमरण से दूर करता है, जो आज हमारा शत्रु है वही अंदर जाके शब्द के जुड़ने के बाद मित्र हो जाता है। दिस सेम माइंड विच इज अवर एनिमी टुडे एंड इट इज नॉट अलाउइंग अस टू डू अवर मेडिटेशंस एंड इट इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग अस बैक इनटू the affections of this world, that same mind when we take it within and it gets connected with a holy sound current, it becomes our friend and helps us to go within and do our devotion. तो कहते हैं बुल हसी हवसी नर को कभी न धुन पति आई। कहते हैं जो डरपोक होते हैं, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो लोग ये संत मत में आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है। और जो डरपोक लोग हैं वो भक्ति में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज सेज दैट दोज हु आर कावर्ड्स they cannot move on this path, they cannot progress on this path, because to progress on this path you have to be brave. कहते हैं क्योंकि भक्ति के अंदर बहुत तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं और तरह तरह के मुसीबतें आती हैं, खान पान भी छोड़ना पड़ता है, नींद को त्यागना पड़ता है, रात रात भर उस मालिक के लिए रोना पड़ता है, रोए बगैर कामयाबी नहीं जो होती है। Because you need to be brave on this path, you have to face difficulties, you have to face hardships, you have to sacrifice eating habits and you have to sit for long hours of meditation, you have to cry for your master in the night. Without shedding a tear, you cannot progress on this path of devotion. So, raat-raat rote hain ki ye malik kab to darshan dega, और इस तरह से विरह होने से ही ये सब काम होता है। हमारे अंदर मालिक से मिलने का विरह नहीं है, गुरु से मिलने की तड़प नहीं है, तो ये सब चीज़ें का अनुभव नहीं होता। सो वी हैव टू क्राई आउट लाउड फॉर आवर मास्टर, वी हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पैंग्स ऑफ सेपरेशन एंड हैव अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर आवर मास्टर। इफ़ वी डोंट क्राई आउट टू आवर मास्टर, वी डोंट हैव दोज पैंग्स ऑफ सेपरेशन, देन वी विल नॉट बी एबल टू गो विद इन। कहते हैं कि एक उदाहरण है कि कुछ लोग मोती निकालने के लिए दो लोग ही होते हैं, जा अपना छोटा छोटा बोट लेके जाते हैं और समुद्र के किनारे बैठ के विचार करें, अरे अरे ये कितना बड़ा पानी का समूह है, समुद्र इतना बड़ा है, कितना गहरा होगा, मैं अंदर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे का क्या होगा, नौकरी धंधे का क्या होगा, बाहर बैठ के विचार करे तो उसको मोती मिलेगा। सो इट इज लाइक दोज पीपल टू गेट द पर्ल्स फ्रॉम द डीप सीज, वन हैज टू प्लंज इन दोज डीप सीज। इफ वी सिट एट द बैंक्स देयर आर टू पीपल हु गो इनसाइड एंड दे डाइव फॉर गेटिंग दोज पर्ल्स,
But if they sit on the shore and there they keep thinking that the sea is so deep and what will happen if we go in, will we drown, and what will happen of our families, what will happen of our jobs, things like that, if they keep thinking on the shores, they will never be able to dive and get that pearl. तो कहते हैं ऐसे लोग को वो मोती प्राप्त नहीं होता है. मोती निकालने वाले मरजीवा होते हैं, माने वो उनको अपने जीवन का भी आस नहीं होता है कि अंदर जाके बचे हुए आएंगे या मर के आएंगे. वो जाते हैं, सीधा जाते रहते हैं. जहाँ समुद्र में सीपें ऊपर तैरते होती हैं, वहाँ नीचे मोती वाली सीपें होती हैं, और वो एक ऊपर रहता है, एक नीचे जाता है, और वहाँ से थैली लेके जाते हैं तो उनको शत्रु से भी बचाना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, और सीपें जो भी मिलती है वो सब झोले में डालना पड़ता है. उसमें से कितने जीव वाली सीपें होती हैं, कितने मरी हुई होती हैं, और कोई बहुत कम होता है जो मोती वाली सीपें मिलती है. सो इफ दे सिट ऑन द शोर्स दे विल नेवर गेट दोस पर्ल्स. To get those pearls, the two of them have to go in the deep sea, and there, wherever they see oysters floating on the surface, there is a likelihood of those oysters on the floor, sea floor, and they have to dive down. So one of them stays in the boat, the other dives down or takes the plunge in that ocean or sea, and when he goes down, he has to ward off the threat of other fish that try to attack him. And they go down and they start collecting those oysters. So some oysters are alive, some are dead, and only a few of them have pearls. But they take all these risks and they finally take that plunge and seek all those oysters and come up. तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को जो जान के ऊपर खेल के अंदर जाते हैं उनको मोती मिलती है, और जो लोग डर के मारे किनारे बैठ के विचार करेंगे तो ऐसे लोग कोई काम के नहीं रह जाते. इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं बुल्ल हसी, माने डरपोक लोगों का काम नहीं है भक्ति करना. सो ओनली व्हेन दे फियरलेसली डाइव इन द सी दे कैन होप टू गेट द पर्ल्स फ्रॉम द ऑयस्टर्स विद द रिस्क दैट दे हैव टू टेक. सो देयरफॉर स्वामी जी महाराज सेज दैट यू नीड टू हैव You need to be brave to go on this path. It is not a path for the cowards. तो कहते इसी तरह से जो संतों के शरण में गए और संतों ने जो कुछ कहा तो आगे पीछा नहीं देखते और वो भक्ति के दरिया में कूद पड़ते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चल के वो पार हो जाते हैं. So therefore you need to be brave on the path. When you go to the master and he gives you the teachings, then you have to accept those teachings and take the plunge in the sea of devotion. And then once you have taken it fearlessly, you have followed honest teachings without looking here and there, then you will be able to get success on this path of devotion. हाँ, नहीं तो सारा दुनिया का विचार करते बैठेंगे भक्ति में और भजन सुमरण नहीं करेंगे, तुम कहाँ से उद्धार, आप अंदर कहाँ से जाएंगे और आपके अंदर अनुभव कैसे आएगा. एंड सो इट्स द सेम थिंग इफ यू डोंट टेक दैट प्लंज इन द डिवोशन एंड इंस्टेड यू स्पेंड योर टाइम थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू द वर्ल्ड अराउंड यू एंड यू डोंट डू दैट मेडिटेशन देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू गेट सक्सेस फ्रॉम दैट डिवोशन. हाँ, कभी कभी सवेरे उठ गए तो अभी ज़्यादातर तो लोग बहुत जाकर बैठना भी छोड़ देते हैं, कोई आधा घंटा घंटा बैठा तो बहुत हो गए. तो कहते हैं कि इस तरह से रात दिन दुनिया का चिंता करके आधा घंटा भजन बैठने से कामयाबी नहीं मिलती. सो व्हेन वी गो फ्रॉम हियर मेनी पीपल स्टॉप सिटिंग फॉर मेडिटेशन एंड इफ पीपल आर लकी दे समटाइम्स मैनेज टू सिट फॉर हाफ एन आवर. सो इमेजिन दैट होल डे यू आर थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड एंड देन फॉर हाफ एन आवर यू ट्राई टू डू सम डिवोशन. How are you going to be successful? बेनार को मालूम है एनिमल डडी पहाड़ में हम लोग जो गुफा में बैठे थे उसमें लाइट भी नहीं था. तीन लोग बैठे थे और तीन जगह, और वो दरवाजा भी खुला ऐसा एक रखे थे
बहुत दिन का गुफा पड़ा था, साफ सफाई करके अंदर बैठ गए। तो उस अब ऊपर पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ के गुफा में बैठे थे। वहाँ सब बिच्छू और सांप, पहाड़ तो बिच्छू और सांप का घर ही है, सब घूमते रहते थे। लेकिन क्या था कि लाइट ही नहीं था ना, तो हम लोग देखते हैं जब ऊपर आते थे तो थोड़ा ठंडा लगता था, क्योंकि हम लोग एक टॉवल पहनते थे छोटा सा, एक टॉवल ऊपर डालते थे लाल वाला, तो जब ऐसे जाता तो ठंडा लगता सांप। तो देखते लाइट मार के देखे तो सांप है, अब करे क्या। लेकिन देखो हम लोग 6 महीना बैठे थे गुफा में, लेकिन किसी को कोई बिच्छू है सांप है घूमते थे अगल बगल, लेकिन कभी किसी को काटा नहीं। बर्नार्ड नोज we used to sit for meditation in the animal that ready hill near the ashram. Now there was a old cave there, and there was a broken door. We used to just cover the cave, and 3 of us used to sit inside. It was very dark, there was no light or electricity, and we used to sit inside for our meditations. We sat there for nearly 6 months. Now in that there was a huge hill above and huge rocks above, and there were lots of snakes and lots of scorpions, because these hills are all homes of snakes and scorpions only. So all of these snakes and scorpions would go all around us. Now there was no light, so we could not really see them. Only when some of them would crawl on top of us, we would know or feel the cold snake going on above. So while sitting, if I felt cold, then I would see and then look, and maybe one snake was passing or crawling over me. And there was nothing that I could do, but we had to sit, and we did our meditation. Now it is Master's grace that not a single scorpion bit us or not a single snake bit us, and it was pitch dark in the cave, but we sat there for 6 months doing the meditations. तो कहते इस तरह से सच्ची भक्ति होती, विरह होती है, तो हमें मौत का डर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मरने के लिए तैयार होते हैं, हमें तो गुरु का दर्शन चाहिए होता है. If there is true love, then we have that strong pangs of separation from the master, then really there is no fear of death, because we only want the manifestation of the master within. So that way we do devotion also fearlessly. तो कहते इस तरह से उसके लिए भी जो है दृढ़ संकल्प और हिम्मत की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कहते हैं कि जो डावाडोल होते हैं वो फैसला नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे लोग से भक्ति नहीं हो पाते। सो देयरफॉर फॉर डूइंग दैट डिवोशन यू नीड अ वेरी फर्म रिजॉल्व, यू नीड दैट कमिटमेंट एंड दैट फेथ, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू डू दैट डिवोशन. इफ यू आर टू मच ऑफ अ वेवरिंग माइंड, देन डिवोशन इज डिफिकल्ट. तो कहते हैं इस तरह से कोई संत सिपाही, कोई बहादुर जो रूहानियत के हिम्मत करके सब कुछ त्याग करके अपने को बलिदान देने के लिए तैयार होता है, तो कहते हैं ऐसे लोग को अनुभव प्राप्त होता है और गुरु की कृपा के पात्र होते हैं. सो देन ही सेज दैट इफ देयर इज अ संत लाइक अ सेंट हु इज अ army man, like a saint, and he goes about it in this warfare of devotion, only then he will be able to succeed on this path. So isliye aap kehte hain dheere dheere ro chadhai karke brahm par karke aur mahasunya ki khai ko par karte hain, unko sab antar mein dikhai deta hai.
And only such people then can go within. They leave the nine doors and then they go inside and they cross the Parbrahm and cross the higher planes and they can see everything within. तो वही आप कहते हैं कि इस तरह से भंवर गुफा बहुत सुंदर देश है, जहाँ जाके आत्मा चिल्ला उठती है, अरे जो तुम है वही मैं हूँ, माने वो मुरली की आवाज़ वहाँ आ रही होती है और आत्मा को परमात्मा का आभास हो जाता है कि हे मालिक जो तू है वही मैं हूँ, इतनी खुशी होती है उसको और आत्मा चिल्ला उठती है और आगे जाके शीस महल सतलोक सचखंड में पहुंच जाती है, सतपुरुष का दर्शन करती है। So thereafter the soul goes further, that saint goes further, he goes into Bhavar Gufa. Bhavar Gufa is a very beautiful place where the sound of the flute can be heard and it is there that the soul realizes that it is an element of God Almighty and it shouts out to God Almighty because that realization comes upon it that it is indeed an element of God Almighty and it calls out to God Almighty and from there it goes further to Sachkhand. और सतपुरुष का दर्शन करती है जिसके रोम रोम सूरज दर्शाई, एक एक रोम में करोड़ों सूर्य के प्रकाश एक एक रोम से आते रहते हैं, कहते हैं ऐसे मालिक का दर्शन करते हैं। And in Sachkhand it gets the darshan of Satpurush, God Almighty, where from each cell of his body there are millions and tens of millions of suns and moons and stars that shine through each cell of his body. तो कहते हैं कि वहाँ सतपुरुष का दर्शन करके आत्मा के अंदर से भी 16 सूर्य का प्रकाश बाहर आने लगता है, आत्मा हंस कहलाते। After that, the soul with this darshan of God Almighty of Satpurush, it gets the luminance of 16 suns. तो कहते इस तरह से परमात्मा का दर्शन करके आत्मा निहाल हो जाती है, उसको अपना सच्चा घर मिल जाता है, अपना सच्चा पिता मिल जाता है। So there it becomes a saint or it becomes a sant and it becomes fully satiated and it gets its true home, it gets its true father. तो कहते इस तरह से गुरु के कृपा से आत्मा अपने घर लौट के जाती है, तो इसीलिए महात्मा कहते हैं हमारा घर वहाँ है और हमारा पिता वहाँ बैठा है, हमारा कुटुंब परिवार वहाँ है या नहीं, जो चार दिन के साथी जो बाद में बिछुड़ जाते हो अपने कैसे हो सकते हैं, अपना वहाँ है जहाँ जाके फिर लौट के आत्मा आती नहीं और हमेशा के लिए उनके साथ में आनंद में रहती है। So he says that is our true home, that is our true family, and there in the family nobody leaves us, and we are infinitely blissful in that place, in that house of ours. This world is temporary, and here whatever we call as family or whatever we believe as our possessions, they leave us, but it is infinite in our true home, and there we have all the other souls who are with us throughout. Suraj suraj jyot nirahari chandra chandra koti na cha vichai ghat akash au ghat prakasha lag akash koti na parsai. तो कहते हैं वहाँ की लीला बड़ी अजब है, कहते हैं कि जो कुछ हमने अंदर देखा सब कुछ वहाँ है, एक आकाश नहीं हजारों आकाश ऊपर दिखाई देते हैं, वहाँ बहुत रचना बहुत अजीब है, कहते हैं देखने के लायक ही है, वो परमात्मा का स्थान है। There he says that
that is a very unique and very amazing place. And there is not one sky, but there are several skies. And all that we see within here is all contained there. And one can only go there and see to understand. यह लीला कुछ अजब पेच की उलट पलट कोई गुरु पाई काल गबरन वेद गादा जो कोई लावे सुंदर मादा। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि और आगे का रचना और भी अजीब है, उसका बयान नहीं किया जा सकता। जो सुन्न समाधि में जाके देखा जाता है और बयान करने के लिए कोई वाक्य नहीं उस जगह का। देन स्वामी जी महाराज सेज दैट बियॉन्ड दैट द टू प्लेसेस फर्दर are completely beyond our imagination and they are beyond whatever we can fathom and explain in words. So one can only understand the uniqueness of those places when one goes there. Samaj bhuj bhunge gud khai jo koi lave बात निराली क्यों कर कहूं बनाई। तो हाँ बोलो। राधा स्वामी राज छिपे को प्रकट कर सरसाई। तो वही स्वामी जी महाराज सब अंदर के विषय को भी इस वाणी में लास्ट में दर्शाया है कि आगे अनुभव बयान करने से परे है। जैसे गुंगे गुड़ खाई, गुंगे को गुड़ खिला दो, पूछो कैसा है, वो हंसता है, आनंदित होता है, बोलने के लिए उसको जवाब नहीं है। तो कहते हैं वो रचना भी ऐसी ही है। सो स्वामी जी महाराज इन लेटर इन दिस बानी ही हैज नाउ एक्सप्लेन्ड दैट अबाउट द प्लेन्स विद इन एंड ही सेज दैट दे आर सो so unique that it is like we give jaggery to a person who cannot talk. Uh-huh. And he enjoys the taste of that jaggery, but he cannot explain what that taste is. Uh-huh. He can only express his happiness in eating that jaggery. To kehte aisa wo sthan hai, to Swami ji Maharaj last mein kehte hain jo gupt cheeze thi uska humne prakat karke aapko samjhane ki koshish kiya, लेकिन वहाँ पे बहुत और कुछ अजीब है। सो स्वामी जी महाराज हैज सेड दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड और ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट एवर आर द सीक्रेट्स ऑफ दोज प्लेसेस आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स हियर, बट एक्चुअली व्हेन यू गो देयर ओनली यू कैन सी हाउ यूनिक एंड अमेजिंग दीज प्लेसेस आर। वही